आओ गुरु की साध संगत हुण इह भगवान दास घेरड़दा इत्थे दुग्गा पूजिया गया महाराज के हुक्म के नाल इहदी लोथ नूं ब्यास दरिया विच रोड़ दिता गया। जदों ब्यास दरिया विच रोड़ के गुरु के सिख वापस आए तो गुरु के सिखां नूं महाराज ने कोल सद लिया आख्या गुरु के सिखो कि कम मकाए हो ते जेड़े मेरे वर्गे सन जिन्हां नूं गुरु की अजमत तो बहुत जानकारी नहीं सी वो मोढ़े उच्चे करके आखण महाराज पापी करदा होवे तुहाडे बरखला बकवास ते असी ऐसे पापी नूं छड़दे हां असी उहनूं जानो मार मुका दिता है ते ब्यास दरिया विच रोड़ आए हैं। बहादुर बाबा बिधी चंद साहब जी जेड़े गुरु का सीना बने ने उन्हां नूं महाराज ने कहा बहादुर बाबा बिधी चंद साहब जी कम मकाए हो ते बाबा बिधी चंद साहब जी ने निम्रता विच हाथ जोड़ के आख्या महाराज जो तुहाडा हुक्म सी ओह करता कम मुका के शुरू हो गया ते आप जानी जान हो। महाराज कहन लगे बाबा बिधी चंद साहब जी इत्थे भगवान दास घेरड़ मरन वाला इस जंग दा गणेश है कम मुका नहीं कम शुरू हो गया है 15,000 फौज चढ़ के आएगी जलंधर तो इस करके तुसी भी तैयारी कर लो। असी चाहुंदे हां इस थे नूं किले दे रूप विच वलिया जावे एक दो इत्थे कमरे भी तैयार हो जाण जंग दा समान रखण वास्ते। इधर वेखिए जेड़े 5-7 बंदे चौधरी दे नाल आए सन घोड़ियां ते उन्हां दा की बनिया जदों असी इतिहास नूं वाजदे आ ते सानूं वी नहीं पता लगदा वी उन्हां नाल की बनिया उन्हां कीता ही कख नहीं सी वह जदों तुरे से नाल उदों कहिंदे सी जिथे चलेगा चलांगे नाल तेरे टिकटां सारियां लै ली पर जदों लगियां वजण उदों फिर जिधर नूं मूंह होया उन्हां 7-8 आदमियां दा दौड़ के चले गए। हुणे मिले जाके रतन चंद नूं भगवान दास दे पुत्तर नूं उन्हें आख्या मेरा डैडी कित्थे आ मेरा पिता कित्थे है इन्हें आख्या वह तेरा पिता हुण तैनूं नहीं मिलना वह निहंग सिंघां दे काबू आ गया सी उहदा गुग्गा उन्होंने पूज दिता ते ब्यास दरिया विच रोड़ दिता हुण इह चढ़िया जलंधर नूं उन्हां नूं नाल लै के आ सी। जलंधर जाण दा कारण उत्थों दा सूबेदार अब्दुल्ला खां भगवान दास घेरड़ दा पगवट मित्र सी उत्थे जाण दा कारण चंदू दा मुंडा करमचंद तहसीलदार महालदार सी सूबेदार दे कोल चंदू दा छोटा भरा लाल चंद ये भी उत्थे नौकरी कर रहा है सूबेदार दे कोल ये हुण रतन चंद इन्हां दोवां नूं मिलिया करमचंद नूं और लाल चंद नूं सारी गल दसी हुण इसे तरह अब्दुल्ला खां दा लगा होया सी दरबार ये जा बड़े उत्थे रतन चंद अगे अगे जा रहा सी लैण विच लगा इन्हें जिहड़ी तुरले वाली पग बद्धी सी ला के अपने सिर तों अब्दुल्ला खां दे पैरां विच मारी उह स्टेज ते बैठा सी इक दम उठिया कुर्सी तों उहने आख्या ओए पग अपनी रख सिर ते मैनूं पहलां दस मेरा मित्र कित्थे है तू आया मेरे कोल मेरा मित्र क्यों नहीं आया। भगवान दास इन्हें आख्या अंकल जी हुण तुहानूं तुहाडा मित्र नहीं मिलेगा वो आ गया है निहंग सिंघां दे काबू उन्हूं उन्हां ने जानो मार दिता है इस करके आए हैं तुहाडे कोल तुहाडी शरण लैण वास्ते साडा साथ दिओ जिहड़े गुरु ने मेरे प्यो नूं मारिया है आपां उहदा बदला लै सकीए। इन्हां सूबेदार अब्दुल्ला खां नूं अग ला दित्ती वह उस वेले बिना को सोचे समझे 15,000 मलखइया लैके अज जिथे श्री हरगोबिंदपुर साहब है रहेले दे थे नूं रवाना हो गया। इधर मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज भी अपने सिखां नूं संबोधन कर रहे सन गुरु के सिखो अब्दुल्ला खां चढ़ के आ रहा है उहदे नाल दो हथ करने ने ते गुरु के सिखां दे मन विच कैसा जंग दा चाओ है जेड़े पढ़ते सन जा को हर रंग लागो इस जुग में सो कही अत है सूरा आत्म जिने सगल वस्ता कै जा का सतगुर पूरा ठाकुर गाई आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग जन के चरण वसै मेरे ही अराए संग पनीता देही जन की तूर देहो कृपा निध नानक कहे सुख यही सूरा सो पहचानिए जो लरा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे
कबहू ना छाडे खेत एक बन्ने जिन्ना दे मन विच प्यार गुरु दा कुट कुट के भरिया होया है एक बन्ने ओ जेड़े फोकिया शोहरता ला के जगीरा दे लालच में चढ़ के आउणगे आओ उन्हां नूं जीया कहण लई मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज अपने गुरसिखां नूं लेके जंग ली हे क्यों तैयार ने बई
Not